नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि रेजर पेजेस का ये थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कैटेगरीज को गेट करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज होंगी हमारी डाटाबेस के, क्योंकि दोनों वीडियो ट्यूटोरियल्स में फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोगों ने आप लोगों को मॉडल बता दिया, डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास के बारे में बता दिया और ऐप सेटिंग्स के बारे में बता दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में बता दिया। इस फोल्डर में हम लोग एक नया फोल्डर जो है पेजेस के अंदर क्रिएट करेंगे और राउटिंग भी लगभग आप लोगों को समझ में आ जाएगी इसमें कि राउटिंग कैसे करते हैं। सिंपल सी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो कैटेगरीज के अंदर हम लोग एक नया रेजर पेज जो है वो ऐड करते हैं, रेजर पेजेस एम्प्टी। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर रेजर पेजेस एम्प्टी इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल जो फाइल है वो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो कैटेगरीज के अंदर जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल ऐड हो चुकी है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल के अंदर हमेशा ये लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को ही रिटर्न करते हैं। तो हम लोगों को जितनी भी कैटेगरीज हैं जो डाटाबेस टेबल में सेव होती हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने का काम करना है। ये आप लोगों को पता है, इसका कोड बिहाइंड फाइल है और ये पेज मॉडल से इनहेरिट होती है। तो अगर ये फाइल अगर पेज मॉडल से इनहेरिट है तो आप लोगों को डायरेक्टली मॉडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसमें जो भी आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बनाएं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने सब कुछ किया हुआ है पहले से ही। तो इंडेक्स मॉडल के अंदर आप लोगों के पास जो है सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आप लोगों को रिटर्न करनी है, यानी कि डिस्प्ले करनी है। तो गेट मेथड के अंदर ही आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनुमरेबल टाइप ऑफ आप लोगों को क्या करना है, कैटेगरीज की एक प्रॉपर्टीज बनानी है। लेकिन हम लोग वो सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास के थ्रू ही गेट करते हैं, तो हम लोगों को एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग रिपोजिटरी पैटर्न से करना चाहते हैं तो रिपोजिटरी पैटर्न से कर लीजिए, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो रेजर पेजेस का ये क्रड ऑपरेशंस है और सिंपल आप लोगों को सभी चीज़ें बताई जाएंगी। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर लिया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को एक पब्लिक प्रॉपर्टीज बनानी होगी और वो भी इनुमरेबल टाइप की, इनुमरेबल ऑफ कैटेगरी आप लोग बनाएं। और इस कैटेगरी के अंदर आप लोग जो है इनुमरेबल टाइप ऑफ जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से जो रिट्रीविंग डाटा होगा वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पब्लिक इनुमरेबल ऑफ कैटेगरी कैटेगरीज, और यहाँ पर आप लोग जो है कैटेगरीज ऑफ इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट आप लोग उसमें वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लगाएं कैटेगरीज इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्लास में आप लोगों की कैटेगरी सेट है तो आप लोग वहां पर ये यूज कर सकते हैं इजीली, इजी सी चीज है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया सारी कैटेगरीज को। तो अब हमारा जो यूआई पेज है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इस लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली टेबल यूज करते हैं और टेबल के अंदर हम लोगों को फॉर ईच लूप यूज करना होगा, क्योंकि एक से ज्यादा अगर हमारे पास कैटेगरीज होती हैं तो हम लोगों को क्या यूज करना होता है, फॉर ईच लूप यूज करना होता है। तो हम लोग एक बूटस्ट्रैप क्लास का एक पैटर्न होता है, जैसे कि कंटेनर हो गया, उसके अंदर रो हो गया, उसके अंदर हम लोग कॉलम डिवाइड कर लेते हैं। एक रो के जितने भी कॉलम्स होते हैं, वैसे 12 कॉलम्स होते हैं। तो पहले हम लोग 12 कॉलम्स में ही जो है वो एक कॉलम बनाएंगे, दूसरे बार बनाएंगे। तो ये आप लोगों को ईजिली समझ में आना चाहिए कि सिंपल सी चीज़ है बूटस्ट्रैप, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एक कॉलम बनाए, एक रो के अंदर एक ही कॉलम है, पूरा का पूरा वही रो और वही कॉलम आप लोग कह सकते हैं। तो कॉल 12 हो गया, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हो गया। तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज जो है आप लोगों को रिटर्न करनी है, डिस्प्ले करवानी है। तो इसके लिए आप लोगों को बनाना होगा फॉर ईच लूप, या आप लोगों को डिस्प्ले करनी होगी टेबल। तो टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी हम लोगों ने क्लास बनाई रो, और उसके अंदर हम लोगों ने लिया टेबल। पहले कॉल 12 कर लेते हैं, या कॉल 16 भी आप लोग कर सकते हैं, क्लास कॉल 12, ओके। इसके अंदर हम लोग जो है टेबल बना लेंगे। तो ये तो एक HTML का पार्ट है, ये सभी को समझ में आना चाहिए, बूटस्ट्रैप का पार्ट है, सभी को समझ में आना चाहिए। और धीरे धीरे करके आ भी जाता है, जब आप लोग काम करते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, आप लोगों का HTML DHTML है, या CSS है, आप लोगों की बूटस्ट्रैप है, और उसके बाद में कोड बिहाइंड पेज जैसे SQL सर्वर का हो गया, या उनको कनेक्ट करने के लिए ASP.NET कोर, C# हो गया। तो ये फुल स्टैक डेवलपर हो जाता है उसके बाद में। तो यहाँ पर देखिए टेबल है, टेबल बॉर्डर ले लेते हैं और टेबल स्ट्राइप्ड ले लेते हैं हम लोग। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, वो आप लोग लगाइए
बेसिकली इसमें आप लोगों के पास जो लॉजिक है वो क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोड बिहाइंड फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पर जो गेट मेथड था, इसके अंदर दो मेथड होते हैं, आप लोगों को पता है गेट एंड पोस्ट, हर एक फॉर्म के दो मेथड होते ही हैं। और गेट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज जो हैं वो रिटर्न करनी है। तो डेफिनेटली लिस्ट ऑफ कैटेगरीज अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक समझने वाली बात यही है कि इनम्यूरेबल टाइप ऑफ कैटेगरीज जो है वहां पर आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर टेबल लिया, टेबल बॉर्डर लिया, टेबल स्ट्राइप्ड लिया और कैटेगरी नेम ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब हम लोग यहां पर कैटेगरी आईडी भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैटेगरी आईडी हो गया, कैटेगरी का नेम हो गया। सिमिलरली हम लोगों को टी बॉडी के अंदर क्या करना है, टी बॉडी के अंदर हम लोगों को करना है फॉर ईच लूप लगाना है, क्योंकि एक से ज्यादा जब होती हैं क्रियाएं तो हम लोगों को फॉर ईच लूप की जरूरत होती है वहां पर। तो फॉर ईच लगाया, वेयर ऑब्जेक्ट इन, सी शार्प का सिंटेक्स है फॉर ईच का, वेयर ऑब्जेक्ट इन मॉडल डॉट कैटेगरीज, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या गया, अब हम लोगों को यहां पर हम लोगों को लगाना है tr, यानी कि एक और रो बनानी है, उसके बाद में td लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट डॉट नेम और id इसको डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को UI प्रोवाइड करेगी और उसमें आप लोग सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम हो गया। सिमिलरली हम लोग जो है ID के लिए भी यही चीज करेंगे। दूसरी टेबल हेडिंग हो गई कैटेगरी नेम एंड ID की जगह, और ये आप लोग धीरे धीरे सीख भी जाएंगे कि इन चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम हो गया। थोड़ा यूआई तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ताकि आप लोग जो है क्लियर उस चीज़ को समझ जाएं और सीख भी जाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। अब सीक्वल सर्वर को हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारी कैटेगरीज में कुछ डाटा है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले सर्वर नेम डालते हैं, जो हमारा सर्वर है उसका नाम हम लोगों को डालना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग कैटेगरीज टेबल में जाएंगे। अगर डाटा नहीं है तो मैन्युअली हम लोग एक बार के लिए उसमें डाटा पुट करेंगे और उसके बाद में हम लोगों को वो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रेजर पेजेस हो गया पार्ट जो है उसका थ्री पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रड ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि डिस्प्ले कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाने का, तो ये बेहतर तरीका है आप लोगों का उस चीज़ को सीखने का कि हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। रेजर पेजेस के अंदर आप लोग एक स्मॉल टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और मैनुअली डाटाबेस से कनेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि डायनेमिक जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक्स हैं, उनको समझना है और उनको डिस्प्ले करवाना है। तो ये वन बाय वन हम लोगों को सीखना भी है और आप लोगों को सिखाना भी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि हम लोग कैटेगरी के अंदर पहले डाटा डाल रहे हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, उसके बाद में जब हम लोग क्रड ऑपरेशन में डाटा को पोस्ट करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो होगा कि जैसे कि कैटेगरी को कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आप लोगों को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे क्रड ऑपरेशंस में आप लोग क्रिएट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आईडी एंड नेम इसमें आप लोग पुट करें, आईडी की जगह नेम आप लोग यानी कि कैटेगरी का नेम आप लोगों को पुट करना है, हेल्थ। दूसरा यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने डाला इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो अब हम लोग इसको रेंडर कर लेते हैं ब्राउजर के ऊपर। देखिए यहाँ पर नेविगेशन नहीं है, अब आप लोग जो हैं इजीली समझ जाएंगे कि कैसे राउटिंग होती है इसकी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरीज यानी कि फोल्डर का नेम, और उसके बाद में मैं लिखता हूँ उस पेज का नेम जो कि आप लोगों को रेंडर करवाना है, और ये रेंडर हो भी चुका है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं उसमें करता तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक राउटिंग होती है और इसमें जो सिंगल पेज होता है यानी कि रेजर पेज होता है उसमें राउटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। शेयर्ड में लेआउट जो हमारी फाइल होती है मैन फाइल, उसमें हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग राउटिंग क्लियर करवाते हैं। ये देखिए फुटर पेज है आप लोगों का, और फुटर में आप लोगों के पास प्राइवेसी फिर से एक लिंक है, हेडर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, फुटर में बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर अगर मुझे कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पर मैं एएसपी जो पेज होता है उसको मैं क्या देता हूँ, पहले फोल्डर का नेम और उसके बाद में आप लोगों को इंडेक्स का नेम। लेकिन अगर आप लोग सेम फोल्डर के अंदर किसी सेम पेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, देखिए ये शेयर्ड फोल्डर जो है वो आप लोगों के कैटेगरीज फोल्डर से अलग फोल्डर है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर फोल्डर का नाम पुट करना पड़ा, कैटेगरीज और फिर स्लैश करके इंडेक्स। लेकिन अगर आप लोग देखें कि अगर आप लोग एक सेम फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ पेज का नेम जो है वो ही पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने क्या किया है यहाँ पर फुटर चेंज किया है। हम लोग हेडर के अंदर सेम यही चीज़ डालते हैं ताकि आप लोगों का हेडर चेंज हो जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा भी नहीं, क्योंकि जब चीज़ें स्टेप बाई स्टेप आप लोग चलेंगे और कोड को समझते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप ही वो चीज़ चलना होगा, ठीक है। तो ये हेडर का पार्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पर देखिए कैटेगरी और स्लैश इंडेक्स डाल दिया। अब हम लोग इसे रेंडर करके देख सकते हैं और इसका आउटपुट हम लोगों को चेक करके देखिए, आप लोगों को सेम समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, अगर हम लोग सेम फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को फोल्डर का नाम जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पेज का नाम दे सकते हैं। तो ये राउटिंग होती है इसकी, और ये राउटिंग बहुत ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आ गए और लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रही है। तो जितनी भी कैटेगरीज थी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि क्रिएट करना, कैटेगरीज को क्रिएट करना। तो रिट्रीविंग कैटेगरीज का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्स मॉडल काम में लिया है, तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम लोग जो है इसी पेज के ऊपर जो है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज था कॉल सिक्स में डिवाइड किया, इसको भी मैं यहाँ पर क्लास कॉल सिक्स में डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और बटन बना देता हूँ। और आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं अगर कैटेगरीज के सेम फोल्डर में हूँ, अभी देखिए मैं कैटेगरीज में मैंने एक ही पेज बनाया था इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, दूसरा पेज बनाऊंगा मैं क्रिएट का, तो मैं यहाँ पर जो राउटिंग दे रहा हूँ देखिए बटन के अंदर जो हाइपरलिंक मैंने बनाया है, क्लास बटन बटन प्राइमरी दी है, उसके अंदर मैं जो है पेज लिखूंगा एएसपी पेज, और पेज में मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएट डालूंगा, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक मैंने बना दिया है हमारे इंडेक्स पेज में क्रिएट पेज के लिए, तो एएसपी पेज, और वहां पर मैं डालता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रिएट। मैंने कैटेगरीज का नाम नहीं डाला क्योंकि मैं उसी फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, उसी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया रेजर पेज बनाता हूँ, और उसके बाद में हम लोग जो है उस रेजर पेज को यूज़ करेंगे क्रिएट के लिए। तो आई होप आप लोगों को रेजर पेजेस समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आता है सब कुछ, टेक्नोलॉजी कीड़ा का पढ़ाया हुआ सब कुछ किया हुआ, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अगर आप लोग शेयर करते हैं वीडियोस और प्रमोट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम जो है यूज़र बन सकता हूँ, लेकिन बस आप लोगों की इच्छा से ही। अब आप लोगों को क्या करना है, सेम चीज़ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल देता हूँ क्रिएट के लिए, क्रिएट डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल, और यहाँ पर हो गया। अब क्रिएट के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, गेट के अंदर आप लोगों को गेट नहीं करना है, मतलब गेट मेथड जो है वो आप लोगों को यूज़ नहीं करना, पोस्ट मेथड आप लोगों को यूज़ करना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे सामने आएंगे तो वो एक एम्प्टी होकर आएंगे, और यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर राउटिंग भी इनेबल्ड हो चुकी है, राउटिंग भी आप लोगों की काम करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पेज भी बना दिया है और राउटिंग भी हो गई। लेकिन अगर आप लोग पेज नहीं बनाते तो ये 404 का एरर नहीं आता, यहाँ पर आप लोगों के पास पेज ब्रेक हो जाता, ठीक है, पेज फॉल्ट एरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों के पास पेज है तो यहाँ पर पेज ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास पेज नहीं होता तो पेज ब्रेक हो जाता, कर्सर वहीं घूम कर रह जाता, लेकिन आप लोगों के पास कोई एरर या एक्सेप्शन टाइप का मैसेज नहीं आता, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास, अगर आप लोग वेब एप्लीकेशन के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर विदाउट रेजर पेजेस काम करते हैं तो आप लोगों के पास 404 का एरर आ जाता है, या समथिंग रिगार्डिंग कुछ उसके की व्यू नहीं मिला या समथिंग कुछ ऐसे एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, तो वो एरर इसमें नहीं आता है रेजर पेजेस के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट पेज जो है वो यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, फॉर्म मेथड पोस्ट डिव क्लास बॉर्डर P3 MT4, और यहां पर मैं
डिव क्लास रो पीबी टू, एक फॉर्म सा जो है वो मैं डिजाइन करूंगा यहां पर। बॉर्डर पहले मैंने बॉर्डर लगाया, उसके बाद मैं एक रो क्रिएट की, रो के अंदर मैं एक टेक्स्ट जो है वो लिखूंगा कि यहां पर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरीज को। तो इस टाइप का जो मैसेज है वो मैं यहां पर डिस्प्ले करूंगा। तो यहां पर हो गया क्रिएट कैटेगरीज। अब एक और रो जो है इस बॉर्डर के अंदर मैं बना लूंगा और उस रो के अंदर मैं यहां पर लिख दूंगा कि यहाँ एक तो लगा दूंगा लेबल और एक फॉर्म कंट्रोल जो क्लास आप लोग होम में बनाते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, सिमिलरली वही चीज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, बस अंतर इतना होगा कि आप लोगों को मॉडल की जगह डायरेक्टली आप लोगों को वो पब्लिक प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी जो आप लोगों ने कोड बिहाइंड फाइल के अंदर आप लोग यूज करने वाले। सिंपल सी चीज है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैंने यहाँ पर डिव क्लास एमबी टू लिया है, यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने यहां पर लगाया लेबल ASP4। और यहां पर मॉडल तो आप लोगों के पास है तो आप लोग डायरेक्टली वो पब्लिक प्रॉपर्टीज ही यूज कर लीजिए जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं। तो क्रिएट मॉडल के अंदर हम लोगों को एक सिंगल क्लास का ही नाम जो है वो यूज करनी पड़ेगी। क्लास के बेसिस पर ही हम लोग एक पब्लिक प्रॉपर्टीज यहां पर बनाते हैं कैटेगरी। और यहां पर मैं ये ही यूज कर लूंगा कैटेगरी डॉट नेम, और उसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करूंगा उसमें भी मैं यही चीज जो है वो यूज कर लूंगा। तो ये भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी और आप लोग एक सबमिट बटन भी इसमें बना सकते हैं। जब मैं सबमिट करूंगा तो मैं पोस्ट एक्शन मेथड को कॉल करूंगा और मैं पोस्ट में कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो डाटा सेव करवा दूंगा। तो ये जो चीज़ है वो रेजर पेजेस के अंदर आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। वही चीज़ है जो आप लोग वेब एप्लीकेशन में करते हैं, बस ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और वो मल्टीपल जो मॉडल व्यूज के थ्रू जाती है एप्लीकेशन वो वैसे है होता। इसमें भी MVC पैटर्न है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो रेजर पेजेस सीखिए, और अगर आप लोग एक ERP बेसिस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो एक पैटर्न डिज़ाइन के ऊपर चलिए, जैसे MVC पैटर्न है उसके बेसिस पर चलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और इसका जो पोस्ट एक्शन मेथड है, पोस्ट में जो भी डाटा हम लोग लिखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो यानी कि फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे फुल टाइम स्टैक वेब स्टैक डेवलपर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकूं। और इवन मैं आप लोगों के लिए भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं सीख चुका हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोगों को शेयर करता ही रहता हूं। तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे ही आना है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे प्रमोट करें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना आप लोग जो है सोशल मीडिया पर डालेंगे उतना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।